हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14.85 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। नई कीमतें 248.74 रुपये हो गई। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद ने दावा किया है कि सदर ममलिकत अनकरीब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आइन के आर्टिकल 63A का बहुत बड़ा फैसला जुलाई में आना है। ये सब लोग ता हयात ना अहल करार दिए गए तो फिर ये मरकज में भी फारिग हैं। वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने अवाम की सहूलियत के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात का ऐलान करते हुए कहा है कि वीमेन ऑन व्हील्स स्कीम के तहत मुल्क भर में खवातीन को सब्सिडी पर स्कूटीज फराहम की जाएंगी। कारपोरेट अकाउंट खोलने के लिए SECP से ऑनलाइन डेटा और शनाख्ती कार्ड और बोर्ड की करारदाद पर 24 से 48 घंटों में अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि न्यूट्रल को मुदाखलत करने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक इमरान खान ने आइन शिकनी कराई। RTS सिस्टम बिठा कर 4 साल तक एक नाअहल मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत के पेट्रोल के शोबे में गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। इमरान खान और उनके वुज़रा कमीशन को अपनी सफाई पेश कर सकते हैं।